और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुब्रत रॉय पर गैर जमानती वारंट सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। बताया जा रहा है कि समन के बावजूद हाजिर ना होने पर यह गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। तो सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आज सुब्रत रॉय को पेश होना था सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन पेश नहीं होने की वजह से समन उन्हें दिया गया था, और समन के बावजूद पेश नहीं होने की वजह से अब गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। आज सुब्रत रॉय को पेश होना था, खुद वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, इसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। हमारे संवाददाता अहमद अजीम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अहमद, क्या कुछ जानकारी, कितनी मुश्किलें और बढ़ सकती है सुब्रत रॉय की? बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर काफी मुश्किलें इनके लिए पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ये नॉन अवेलेबल वारंट है, यानी कि आप जो भी कंसर्न पुलिस होगी उसको इस नॉन अवेलेबल वारंट को एग्जीक्यूट कराना होगा, यानी जो 4 मार्च की डेट तय की है उस तारीख तक जो भी एजेंसी होगी, जिसको भी इसमें अरेस्टिंग पावर होगी पुलिस को, उसको इस NBW को एग्जीक्यूट कराना होगा। अगर उस दौरान तक वो गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं सहारा श्री को, या तो ये कि सहारा श्री इस जो NBW इश्यू हुआ है इसके ऊपर जो है कोई स्टे ले, उसके लिए उनको अर्जी लगानी होगी सुप्रीम कोर्ट में, वरना अगर उनको कोई स्टे नहीं मिलता है तो पुलिस के पास ये पावर होगी कि वो इनको गिरफ्तार करके और कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। आज सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील जो है राम जेठमलानी, वो अपीयर हुए थे सहारा श्री की तरफ से, और ये कहा जो प्लीज पहले भी लिया था पर्सनल अपीयरेंस से, उन्होंने माफी चाही थी इस आधार पर कि उनकी माँ बेहद बीमार हैं और वो नहीं आ सकते हैं, यही प्ली आज भी लिया, लेकिन कोर्ट जो है उनके इस जवाब से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और आखिरकार इस मामले में गैर जमानती वारंट इश्यू कर दिया। ये काफी ये कह सकते हैं कि ये मुश्किल की घड़ी है इस वक्त सहारा श्री के लिए। जी बिल्कुल, और अजीम बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर सहारा श्री यानी कि सुब्रत रॉय की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है।